फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ इब्दा और मेरे चैनल का नाम है यमी किड्स किचन। और आज मैं फ्राइड सैंडविच बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत मजे का एंड वेरी हेल्दी हेल्दी सैंडविच होता था। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कटी हुई 1 टेबल स्पून बंद गोभी, 1 टेबल स्पून गाजर कटी हुई और शिमला मिर्च भी 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून बॉइल्ड चिकन, हाफ हाफ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ा सा पुदीना और हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हाफ टी स्पून चाहिए हमें इसके लिए चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए टी स्पून नमक। और इसके लिए चाहिए हमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस, नाइफ। हमने ब्रेड से इसके फ्रेंड्स देखें। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयो, होममेड मेयो। देखें 1 टेबल स्पून मेयो डालेंगे हम इसके अंदर और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर केचप। ये 1 टेबल स्पून हो गया हमारा केचप। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने सारे इंग्रेडिएंट्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके इसके अंदर डाल लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े का सैंडविच बनता है, फ्राइड सैंडविच। अगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, आप इसमें इनको सब्जियां डाल के खिला भी सकते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है। इस इजी रेसिपी तो आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। और ये बहुत अच्छी भी होती है, बच्चों को ये बहुत पसंद भी आती है। तो मेक श्योर आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये हो गया और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे स्पून से। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है कि मेयो और केचप सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं हमारे अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप मेयो एंड केचप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हमने नाइफ लेके इस ब्रेड के कॉर्नर्स काट लेने हैं। ये देख सकते हैं, ये ब्रेड के कॉर्नर्स हमने कट कर लिए। मैं ये वाले नहीं सेट करूँगी। और अब हमने इसके अंदर डालना है अपना ये बैटर। इसके अंदर डाल के हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। ये दोनों तरफ हमने करना है। ये ले, देख सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सारा हो गया है। और अब हम इसके ऊपर ब्रेड रख के अच्छा हल्का सा प्रेस करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना। अब फिर हमने इसको उठा के अंडे में मार लेना है। अच्छे से डिपिंग कर लेनी है आपने अंडे में इसकी, कि इससे सैंडविच आपका बहुत मज़े का एंड टेस्टी बनेगा। चलो, ये हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे ऑयल में। इसको हम अभी ऑयल में डालेंगे। अब हमने इसको थोड़ा सी देर पकने के लिए, लाइट ब्राउन होने तक हमने इसको पकने देना है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं हो गया। मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। बिल्कुल धीरे से इसको पलट देना है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है और ये बहुत ही क्रंची है। अब देखते हैं इसको नीचे से भी हमने पकने देना है। फ्रेंड्स, ये हो गया है। मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ। बिल्कुल धीरे से आराम से हमने इसको उठा लेना है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा यमी सा सैंडविच रेडी हो गया है। ये बहुत मजे का है। मेक श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बेल आइकॉन प्रेस करें, तो मेरी इस तरह की वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय।